अब नुसरत, पहले दिन आप पार्लियामेंट में शपथ लेने पहुंची, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां, तो उलेमा तो नाराज हो गई होंगे। सर देखिए, बात ऐसा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी कटघरे में बैठकर इतनी मतलब इतना गर्व महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। कटघरे में हम जरूर हैं, बट आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ऑनर। मैंने किसी को नाराज करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया है। जिस तरह से मेरी पढ़ाई हुई है, मेरी परवरिश हुई है, मुझे यही सिखाया गया है कि पहले मैं आई एम एन इंडियन फर्स्ट, पहले मैं सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। और मेरी शादी अभी बस हाल ही मेरी शादी हुई है, एंड लाइक एवरी इंडियन वुमन, मुझे भी सारा इंडियन कल्चर को अच्छे से एम्ब्रेस करना था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा एक बार के लिए भी कि मैंने कुछ गलत किया है किसी और रिलीजन को सम्मान देकर, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट यू नो अडॉप्टिंग ऑल न्यू इंडियन कल्चर्स। देखिए, पहले तो हमारी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद हम सबकी तरफ से। लेकिन जो हमारे मौलाना हैं, उलेमाज हैं, उन्हें आपकी शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम लड़की ने एक जैन लड़के से शादी की तो बिल्कुल गैर इस्लामी। सर जिंदगी तो मुझे निभानी है, रहूंगी मैं किसी के साथ पूरी जिंदगी, तो मेरे अलावा मुझे नहीं लगता और किसी को मेरे लिए यू नो लाइफ पार्टनर चूज करने का कोई अधिकार है, क्योंकि दिस इज माई लाइफ, लाइफ लॉन्ग जिंदगी मुझे निभानी है। तो ऑब्वियसली मैं किसी को अपसेट नहीं करना चाहती, मैं हर रिलीजन को सम्मान करती हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ हदीस और कुरान पढ़ के, और मेरे घर में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बोलते हुए कि मैंने भगवद गीता भी पढ़ा हुआ है और मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है। तो सर ये जो इतनी सारी बातें हो रही थी रिलीजियस बातें मुझे लेकर, मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की है और हमारे स्कूल में हर धर्म के यू नो स्टूडेंट्स होते थे, हर धर्म के, तो हम लोग असेंबली के लाइन में, आई एम श्योर मे बी अग्री करेगी, जब हम लोग असेंबली के लाइन में होते थे तो हम लोग सारे प्रेयर्स बोलते थे जिसमें हम लोग जीसस क्राइस्ट को याद करते थे हर दम। तो वहाँ पे अगर मैं इन द नेम ऑफ द फादर गॉड एंड सन बोल के अगर ऐसे करती थी तो उस टाइम तो किसी ने मुझे प्रश्न नहीं किया, नोबडी क्वेश्चन्ड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आप कॉन्वेंट में पढ़ते तो आप प्रेयर्स क्यों बोल रहे हैं। तो इस अभी मुद्दा अलग हो गया है, अभी बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही है। आई थिंक सर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिटवीन मोनोथिज्म एंड पॉलीथिज्म। मिमी, आप पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये आप हिंदू हैं, आपकी दोस्त मुस्लिम है और ये सारा सर आपका है सिखाया हुआ। क्या? हाँ जी, ऐसा तो मुझे पता नहीं था, बट बताओ, सच बताओ, ऐसा तो मुझे पता नहीं था, बट मैं यही बोलूँगी सर, जो आई एम प्राउड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर, एंड हमने कई सारी फिल्में भी एक साथ की हैं, मैं उसे बहुत दिनों से जानती हूँ, एंड और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। अब देखिए, जो देवबंद के मौलवी हैं वो ये कहते हैं ये एक्ट्रेसेस हैं किसी की नहीं सुनती हैं। उन्होंने कहा कि ये इनका लिबास गैर इस्लामिक, नुसरत की शादी गैर इस्लामिक, तो नुसरत ही इस्लामिक नहीं रही अब। सर इस्लाम तो मेरा रिलीजन है जो मैंने अपने पापा से, अपने फैमिली से मैंने पाया है, और रिलीजन मैंने हरदम यही बोला है सर, रिलीजन ना दिल से होती है, मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया है, मेरे पापा हाजी साहब है, तो मैंने बहुत सारी, मैंने ट्रोल जब हुई मैं शादी के बाद, तो लोग बोले हाजी की बेटी हो के, हाजी साहब की बेटी हो के इस किस तरह का ये बर्ताव आपने कर दिया कि आपने एक गैर मुसलमान लड़के से आपने शादी कर लिया। तो लव हैज़ नो लैंग्वेज, पता नहीं समझ नहीं पा रहे लोग, मैं कैसे समझाऊँ, अब समझाऊँ कैसे, थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है जो कि इनिशिएट मैंने ले लिया है, बाकी आवाम ने भी साथ दिया है। आई होप समडे पीपल स्टार्ट थिंकिंग द वे टुडे इज न्यू एज इंडिया इज थिंकिंग। आप कह रहे हैं कि जो मौलाना उलेमा है वो भी थोड़ा मोहब्बत का पार्ट सीखे। सर मोहब्बत का पार्ट अगर, सर मोहब्बत का पार्ट अगर नहीं सीखे तो कहीं के पंडित कहीं के मौलाना नहीं है। सर मोहब्बत का पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना होगा।